हेलो दोस्तों, आइए करते हैं आज की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन एक, डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर किस देश ने रोक लगाई है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध नाबालिगों को लत से बचाने के लिए लगाया है। सरकार ने नए कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वेप्स बेचने वाले पर 1,00,000 न्यूजीलैंड डॉलर का जुर्माना लगाएगी। फरवरी 2024 में तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला कानून पारित किया गया था। न्यूजीलैंड इस कानून के मुताबिक धूम्रपान के लिए उपयोग होने वाले तंबाकू उत्पादों में निकोटीन की मात्रा को कम करेगा। क्वेश्चन दो, भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए ध्वजवाहक किसे बनाया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, अजंता शरद कमल को। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार ब्रेकिंग खेल शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन तीन, सुगमेता हेल्प डेस्क का शुभारंभ किसने किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, DY चंद्रचूड़। सुगमेता हेल्प डेस्क के माध्यम से बच्चे, दिव्यांग, महिलाएं, विशेष आवश्यकता वाले लोग सुप्रीम कोर्ट तक अपनी समस्या आसानी से बता सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट ऐप और पोर्टल। स्वाति पोर्टल, इसको लॉन्च किया था अजय कुमार सूद ने। अपना चंद्रयान पोर्टल धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया था। ग्राम मंच ऐप पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रेस सेवा पोर्टल अनुराग ठाकुर के द्वारा। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। कंज्यूमर ऐप ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रहरी ऐप BSF एवं गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। कॉल बिफोर यूडिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। स्केल ऐप धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन चार, इंदिरा गांधी स्मारक ट्यूलिप गार्डन कहाँ है जिसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, श्रीनगर में। यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। यह डल झील और जबरवान पहाड़ियों के बीच है। अब हम पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन गया है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हीकल पहल की शुरुआत जम्मू कश्मीर में की गई है। आतंकवादियों के लिए GPS एंकलेट जम्मू कश्मीर पुलिस ने लॉन्च किया है। 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में मिला है। क्वेश्चन पाँच, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, 23 मार्च को। 23 मार्च को पूरी दुनिया में विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है समाज की सुरक्षा और भलाई के लिए मौसम विज्ञान द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में लोगों को जागरूक करना। क्वेश्चन छह, भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, भूटान को। भारत अगले 5 वर्षों में भूटान को 10,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगा। दोनों पक्षों ने सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा, व्यापार और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में कई समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन सात, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर उमा रेले। प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना डॉक्टर उमा रेले को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर श्रीमती उमा रेले नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय मुंबई की प्रिंसिपल हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रमुख पुरस्कार के बारे में। इरास्मस पुरस्कार 2024 ये अमिताव घोष को दिया गया है। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिजकोवा को दिया गया था। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार भारत को दिया गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 TM कृष्णा को दिया गया है। रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार पंकज कुमार चटर्जी को। इंडिया UK अचीव सम्मान जोया अख्तर और असमा खान को। क्वेश्चन आठ, SBI कार्ड ने किसके साथ मिलकर नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, टाइटन के साथ। क्वेश्चन नौ, किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अब हम पढ़ते हैं कि किन 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को में शामिल किया गया है। एक, ग्वालियर का किला। दो, धमनार का ऐतिहासिक मंदिर। तीन, चंबल घाटी के रॉक कला स्थल। चार, खूनी भंडारा। पाँच, बुरहानपुर और रामनगर को। 6, मंडला के भगवान स्मारक को शामिल किया गया है। अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन 10, T20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, विराट कोहली। T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले विराट कोहली पहले भारतीय बैट्समैन बने हैं। विराट कोहली ने ये 12,000 रन घरेलू T20 सीरीज, इंटरनेशनल और लीग क्रिकेट के रन शामिल हैं। 12,000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे
और भारत के पहले बैट्समैन बन गए हैं विराट कोहली। कोहली ने 360 पारी में 12,000 रन का आंकड़ा पार किया है। T20 में सबसे ज्यादा 14,562 रन वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल ने बनाए हैं। क्रिस गेल ने 345 पारियों में 12,000 रन पूरे कर लिए थे। क्वेश्चन 11, ग्रेट ब्रिटेन में वेल्स सरकार के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, वॉन गेथिंग। ब्रिटिश में वेल्स लेबर पार्टी के वॉन गेथिंग पहले अश्वेत नेता बने हैं। यूनाइटेड किंगडम में वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, ये चार देश मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं और वॉन गेथिंग वेल्स लेबर पार्टी के नेता बने हैं। वेल्स की आबादी लगभग 3 मिलियन है और इसकी राजधानी है कार्डिफ। क्वेश्चन 12, IMF किस देश को 1.1 अरब डॉलर का ऋण देगा? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान को। IMF की फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। IMF 190 देशों का संगठन है। इसका कार्य है वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए कार्य करता है। अब हम पढ़ते हैं पाकिस्तान के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया है। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।